नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एकदम पढ़ने के लिए दुरुस्त हैं। आज तो बारिश आ गई। जी हाँ, यहाँ भी आ गई। वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएं, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुका है, डिटेल डिस्कशन हो चुका है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हम आर्टिकल 20 जो है वो पढ़ चुके थे, और आर्टिकल 20 में हमने ये पढ़ा था कि हमें कोई भी जबरदस्ती किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकता कि आपको जो है मतलब अपने गुनाह को स्वीकार करने के लिए जरूरी है, ये कोई भी हमसे नहीं कह सकता। अगर आपको याद हो तो हम आर्टिकल 20 लास्ट टाइम तक पढ़ चुके थे, ठीक है। जब ये सारे आर्टिकल खत्म हो जाएंगे तब एक बार में ही हम इन सब आर्टिकल्स को फिंगर्स पे याद कर लेंगे। होपफुली किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 21, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, केवल एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई? जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग जो हैं, किसी को किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो क्लास के अंत में जो आखिर के 5 मिनट होते हैं वहां पर क्लास से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि जो पढ़ाया जाए उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना आए, फिर भी आएगी तो अंत के 5 मिनट में आपसे सुन करके डिस्कस करके खत्म कर दी जाएगी। हाँ जी साथियों, आर्टिकल 21 क्या कहता है आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अच्छा, इतनी सी लाइन है जो कि आप लोगों के लिए लिखी हुई है आर्टिकल 21 के अंदर, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और अगर आपको याद हो मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपसे एक लाइन बोली थी, अगर आपके वो ध्यान हो, और वो लाइन थी कि यदि आप लोगों को लगे कि हमारे जीवन में से सारे आर्टिकल छीन लिए जाएं तो भी आप कौन सा आर्टिकल पाना चाहेंगे, तो वो आर्टिकल 21 है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर इस आर्टिकल 21 में ऐसा क्या दिख रहा है, एक इतनी ही सी तो लाइन लिखी हुई है, जिसमें आपको ऐसा क्या दिख रहा है जिसके चलते आप आर्टिकल 19 को छोड़ने को तैयार हैं? आप मतलब हर आर्टिकल के लिए बोलते हैं कि बाकी सब ले लो, मुझे केवल एक आर्टिकल दे दो, बाकी मैं सारे आर्टिकल्स अपने आप इसके साथ जी लूंगा, है ना। मैंने आपको याद होगा टोटल 4 आर्टिकल बताए थे, 13, 19, 32 और 21। मैंने ये कहा था कि इनमें से जो भी आर्टिकल्स लेने हो लेते चले जाओ, अंत में अगर कुछ देना हो तो केवल ये दे देना, मैं सारे आर्टिकल्स इससे पुनः पैदा कर लूंगा। यानी कि ये वो आर्टिकल है जिससे सारे आर्टिकल डिराइव किए जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे इसका क्या मीनिंग हुआ सर, डिराइव किए जा सकते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसका अर्थ ये है, अगर हम इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ें, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होना होगा। यानी कि अगर कोई प्रक्रिया कानून के द्वारा स्थापित कर दी गई है तो वो हटा दो, उसके अलावा कोई और ऐसा चीज नहीं हो सकता जिससे किसी व्यक्ति को उसके जीवन से या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाए। अब आप में से कुछ लोग इस सवाल को पूछेंगे कि सर मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि भाई आर्टिकल 21 से आप सारी चीजें डिराइव कर सकते हो, कैसे कर सकते हो जरा बताओ। मैंने कहा चलो मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूँ। शुरू करता हूँ आर्टिकल नंबर 14 से ही शुरू करता हूँ। चलो 14 तो क्योंकि इसके अंदर खुद ही इन्वॉल्व है, 15 से शुरू करता हूँ। 15 जिसमें यह कहा गया है कि हम लोग जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। स्टेट को यह जिम्मेदारी दी गई है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो ऐसी स्थिति में आप पूछेंगे कि यहां पर कैसे आपको लगता है कि आर्टिकल 21 अकेला दिया जाता तो आर्टिकल 15 को इससे पैदा कर लेते हैं। मैंने कहा हाँ मुझे लगता है। बोले कैसे? मैंने कहा भाई मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि मुझे मेरे जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। आपने कहा कि आर्टिकल 15 कैसे इस बात से संबंधित है कि आपको जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 का क्या महत्व है? मैं बता देता हूं साथियों, एक सिंपल सी बात सोच के देखिए, उस जीवन में भी क्या जीवन जिसमें आपको लाइफ विद डिग्निटी जीने के अवसर ना दिए जाएं। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, वो जीवन भी क्या जीवन जिसमें आपको लाइफ विद डिग्निटी जीने का ऑप्शन ना दिया जाए, यानी कि इज्जतदार जिंदगी ना जीने का ऑप्शन दिया जाए। अर्थात यहां पर आर्टिकल 21 अपने आप में एक और व्याख्या देता है, और वो ये है कि केवल जीना ही नहीं है, लाइफ विद डिग्निटी भी है। डिग्निटी मतलब सम्मान पूर्वक जीना। अब आप पूछेंगे कि सम्मान पूर्वक जीने में तो फिर सम्मान की क्या व्याख्या है? सम्मान आता है समानता से, समान सम्मान आता है समानता से।
आज तक दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे फिर वो फ्रांस की हुई क्रांति हो, फिर रशिया की हुई क्रांति हो, या फिर औद्योगिक क्रांति, कोई सी भी क्रांति जो शब्द है ना जिसके पीछे क्रांति लग गया, वो क्रांति का सबसे पहला आधार ही समानता है। क्रांति का सबसे पहला आधार ही क्या है? समानता है। और समानता ही डिग्निटी दिलाती है। आज कोई भी मजदूर अगर अपने हकों की मांग करता है तो वो ये यही तो कहता है कि एक इंसान, एक जब मालिक जो होता है वो अपने जीवन के दौरान आराम भी करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी लेता है, खाने पीने के लिए उचित भोजन भी लेता है, तो मजदूर को भी वही मिलनी चाहिए। महिलाएं अपने लिए मांग करती हैं कि भैया हमें जो है आप पुरुषों के बराबर समानता दे दो, ताकि हमें भी घर के अंदर अलमारी की किसी वस्तु की तरह ना रखा जाए, हमें भी घर के अंदर समानता का भाव दिया जाए, घर के अंदर होने वाले निर्णयों में हमसे भी पूछताछ कर ली जाए। यानी कि फिर से समानता आ गई। समानता स्वतः ही डिग्निटी दिला देती है, चाहे आप किसी भी आधार को उठा लीजिए, चाहे फिर कास्ट के आधार पर लीजिए। अगर आपको मान के ऐसा लगता है कि देश में किसी एक ही जाति से या एक ही क्षेत्र से या किसी एक ही वर्ग से लोग नौकरी में घुस रहे हैं, तो आपको अचानक ऐसा लगेगा कि यार ये तो समानता है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों को उचित, मतलब अपना जो वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो किस चीज की मांग करेंगे? समानता की। समानता अल्टीमेटली उन्हें क्या दिलाएगी? डिग्निटी दिलाएगी। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि लाइफ विद डिग्निटी इटसेल्फ स्टैंड्स इन आर्टिकल 21, जिसकी वजह से आर्टिकल 15 स्वतः ही डिराइव हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, क्या आप सभी साथियों को यह पॉइंट समझ में आया कि आर्टिकल 15 कैसे डिराइव हुआ आर्टिकल 21 से? अब मैं आर्टिकल 16 की बात करता हूं। आर्टिकल 16 में भी तो सेम यही है। अगर आपको नौकरी में नियुक्ति देनी है, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति देनी है, तो वहां पर भी आपको किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। अगेन वही समानता की बात है। क्या आपको ये बात समझ में आई? आर्टिकल 17 की बात अगर हम करें, अगर आप पूछते हैं कि आर्टिकल 21 से क्या आर्टिकल 17 डिराइव किया जा सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल किया जा सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा भाई अगर आप लोग मुझसे ये कहेंगे कि तुम अछूत हो, तुम्हें छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ये मेरे लिए जीवन कैसे, मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे लिए डिग्निटी पूर्वक लाइफ है? और अगर मेरा मूल अधिकार है कि मुझे सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप मुझे अछूत नहीं कह सकते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप पूछेंगे कि सर आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों के अंत की बात की गई है, इसमें फिर लाइफ विद डिग्निटी कैसे है? बोले यार कल को एक बात बताओ, किसी सम्मान समारोह में जा रहे हैं, किसी भी एक सामान्य फंक्शन में हम जा रहे हैं, देश के नागरिक हैं हम, देश के नागरिक हैं, वहां पता चल रहा है कि भारत रत्न कोई आ रहा है, कोई पद्मश्री आ रहा है, कोई लाड साहब आ रहा है, कोई केसरी आ रहा है, कोई कुछ भी आ रहा है, हम लोगों को तो, आम लोगों को तो वहां पे वैल्यू ही नहीं मिल रही है। अगर देश समान है और देश के अंदर सब जगह समानता है, तो ये सारी चीजें हटाइए और जो चीजें आज के समय में प्राप्त की जा सकती हैं पढ़ लिख करके, उन्हें देने दीजिए, क्योंकि जीवन तो अल्टीमेटली तभी निकल करके आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहूं कि आर्टिकल 18 तक मैंने ले लिया, आर्टिकल 19, अब आर्टिकल 19 कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है मेरी, मैं बोलना चाहता हूं क्यों ना बोलूं? भाई मेरी स्वतंत्रता अगर मुझे प्रतिबाधित होती लगे, अगर ऐसा लगे कि मैं अपने देश में रह करके कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा, तो फिर मेरे लिए आर्टिकल 21 जो एक मूल अधिकार के रूप में गिवन है, उसका क्या मीनिंग है? यानी आर्टिकल 19 भी सेल्फ डिराइव्ड हो गया इसकी वजह से। अगर मुझे यह कहा जाता है कि मैं देश में कहीं भी जाकर के बस सकता हूं, आपने कहा आर्टिकल 19 नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो है कि मैं अगर राजस्थान में रहना चाहता हूं तो राजस्थान में रहूं, मैं कश्मीर में रहना चाहता हूं तो कश्मीर में रहूं, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? मैं अकेला नहीं रह सकता क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी हूं। जब सामाजिक प्राणी हूं तो मैं असेंबली में रहूंगा, मैं ग्रुप बना के रहूंगा, और जब मैं ग्रुप बना करके रहूंगा तो ऐसी स्थिति में तो जनाब मुझे असेंबली बनाने का अधिकार, मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रतीत होता है, क्योंकि इंसान है ही सामाजिक प्राणी, को अकेला ना तो पैदा हुआ है ना कभी होगा। इसका मतलब फिर से ये वाली बात निकल के आ गई, मैं व्यापार करूं, अरे भाई मेरा मन, मैं व्यापार किस चीज का करूं? आपको लगता है कि आपने कहा कि देश की इंटीग्रिटी, देश की सॉवरेनिटी, इन सबको फर्क ना पड़े, ठीक है, फिर भी मैं, अब मान लीजिए मुझे एजुकेशन का व्यापार करना है, मैं करना चाहता हूं, मुझे कपड़ों का व्यापार करना है, मुझे लोहे का व्यापार करना है, करना चाहता हूं ना, ये मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये लिखी तो आर्टिकल 19 में है, लेकिन है तो मेरी स्वतंत्रता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 से स्वतः ही डिराइव्ड हो गया, ये बात मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं आर्टिकल 20 पर पहुंचता हूं, आर्टिकल 20 पर आप मुझसे कहते हैं कि आपको पहले जो आपने दंड दिया था या आपने जो मतलब कर्म किए थे उसकी सजा इस बार भी मिलेगी, अगली बार भी मिलेगी, फिर भी मिलेगी, तो भाई मेरा जीवन ही कहां रहा? फिर तो जीवन ही ले लो मेरा, क्योंकि मेरी राइट ऑफ लाइफ तो आपने छोड़ा नहीं, आप में से जो सरकार आ रही है वो मेरे ऊपर दोबारा से दोबारा मतलब वो दिए जा रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई कि मैंने आर्टिकल 20 तक सारे आर्टिकल डिराइव कर दिए अकेले आर्टिकल 21 से, आगे भी चलेंगे उन्हें भी आर्टिकल 21 से डिराइव करते चलेंगे।
बात समझ में। कहने का अर्थ ये है कि आर्टिकल 21 अभी यही खत्म नहीं होता। आर्टिकल 21 आपको अपना जीवन साथी चुनना है, आपको अपना जीवन साथी चुनना है। इसके लिए भी भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि जीवन साथी चुनना भी आपका मूल अधिकार है। आप किसे जीवन साथी चुनेंगे, ये आपका मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 से डिराइव किया हुआ है। आई बात समझ में? आपकी निजता, निजता से मतलब ये हुआ, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, राइट टू मैरिज जो है ये मूल अधिकार बना दिया गया है, आर्टिकल 21 से ही डिराइव है। अच्छा, इसी के अधिकार जो है, राइट टू मैरिज का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपकी शादी हो ही जाए यह अधिकार है, नहीं, आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार मूल अधिकार है। मतलब ये नहीं है कि आप पता चले कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, मेरी शादी नहीं हो रही, वो शादी नहीं करवाएगी सुप्रीम कोर्ट। मुद्दा यह है कि आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं और वो शादी समाज नहीं होने दे रहा या स्टेट नहीं होने दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। जीवन साथी चुनने का अधिकार। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने ये कहा कि सर मेरे फोन नंबर जो है, ये फोन नंबर मैं चाहता हूं कि ये शेयर ना किया जाए किसी के साथ, या फिर मेरा फोन रिकॉर्ड ना किया जाए, मैं कहां आता हूं कहां जाता हूं ये सब चीजें रिकॉर्ड ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक आदेश दिया हुआ है। आदेश क्या, पूरा डिसीजन है जिसमें कि राइट टू प्राइवेसी, मेनका गांधी केस है ये, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया आर्टिकल 21। और रिसेंटली जो फास्ट टैग वाला इशू है वो इसी कारण से वापस विवादों में है। तीसरा, हाल ही में जो आधार कार्ड वाला इशू आया था वो भी इसी कारण से, साथियों, मेरे प्यारे साथियों, चर्चा में आया था, क्योंकि वो भी मूल अधिकार का वंचित कर रहा था। आप सोच के देख लो कितनी सारी चीजें जो हैं मैंने आपको आर्टिकल 21 से डिराइव करके दिखा दी। तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आर्टिकल 21 जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जिससे केवल भारतीय संविधान की एक लाइन नहीं, जाने कितनी लाइनों को डिराइव किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने अपने यहां पर इसे बहुत ही सीमित शब्दों में लिखा हुआ है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसकी व्याख्या करती रहती है। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 21A, ये आपको मालूम ही होना चाहिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो मूल अधिकार बना दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली जो हमारे यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 6 से 14 ही नहीं, 6 से 20 तक के वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए मूल अधिकार बना दिया गया। 6 से 14 की जगह 6 से 20 कर दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ये तथ्य आप लोगों को याद आ रही है, ठीक है ना? चलिए, हाँ भाई, व्हाट्सएप ने बेटा वो सरका दिया है अभी, है ना? वो कल की क्लास में पढ़ाएंगे अपन, मॉर्निंग वाली क्लास में, कि व्हाट्सएप ने वो अपनी पॉलिसी जो आ रही थी उसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। चलिए, हाँ जी, अब ये आर्टिकल भी साथियों जबरदस्त आर्टिकल है, और ये आर्टिकल वो है जिसके चलते हुए भारत में बहुत सारी चीजें हुई हैं। इसे थोड़ा सा हम गहराई से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? आर्टिकल 21 तो मैंने सारी तरह से बता ही दिया, और आर्टिकल 22 जो है इसको क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब एक प्रकार से पुलिस के पैसे प्रताड़ित रहते हैं, है ना? मतलब कई साथी ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है पुलिस ना हुई भगवान हो गई, अब और वो पकड़ ली जाने क्या ही कर देगी। फिल्मों में देख देख करके पुलिस का टेरर ही टेरर दिखाई देता है। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मूल अधिकार आपको सिखाने जा रहा हूं, जरा सुनते चलिएगा। इधर सुनिए साथियों, सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 कहता है कि आपको कोई भी अचानक उठा के नहीं ले जाएगा और किसी भी प्रकार से जेल में डाल करके डिटेन नहीं करेगा, इससे आपकी सुरक्षा करता है ये आर्टिकल। डिटेन करने का मतलब क्या होता है, आपको जेल में ले जाके डाल दिया और आपसे जबरदस्ती पूछताछ की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्या ऐसा होता है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम करेंगे, तो इस बात को आप सुनते चलिए। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पहला पॉइंट क्या कहता है वो सुने। No person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. Meaning क्या है? Meaning ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते until unless आपके पास उस कानून के तहत ये प्रावधान किया गया हो। जैसे हमारी सीआरपीसी की धाराओं में ये लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को 7 साल से ऊपर की सजा दी जाती है तो पुलिस उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी किसी व्यक्ति के ऊपर एक ऐसा केस दर्ज हुआ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको मर्डर के जुल्म में किसी ने जाके शिकायत करी कि साहब उस एक्स व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है, तो आपके पास वो व्यक्ति जो शिकायत करने आया है वो तो एक हो गया गवाह, और उस गवाह के कहने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाना है तो पुलिस गेट जाके खटखटाएगी नहीं, है ना? कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब ऐसा ऑफेंस है वो कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज है, और मर्डर के चार्ज के अंदर आपको वारंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है मजिस्ट्रेट की, कि हाँ मजिस्ट्रेट साहब देखो मैं वारंट लेके आया हूं। मतलब वो व्यक्ति आपसे जाकर के पूछे कि वारंट कहां है मुझे लाने का, 2 लाफड़ और मारो और खींच के कहो कि चल बेटा चल, यही वारंट है, आ जा। मतलब अगर एक ऐसा ऑफेंस जो 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान ऑलरेडी देता है तो उस स्थिति में वारंट ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पॉइंट के अंदर जो मैंने लाइन बोली अभी वो क्या बोला, मैंने बोला नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इनफॉर्म्ड।
मतलब अगर ये पॉइंट जो है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना उसको बताए हुए, ये तभी वैलिड है जब कानून ऐसा करने की इजाजत देता हो। और कानून में सीआरपीसी के अंदर ये बातें यानी कि रूल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अगर कहता है तब तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और नहीं कहता है तो सीधा उसे मतलब बिना वारंट के भी ले जा सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, ये है कि अगर अब ये तो एक स्पेशल केस हो गया। कौन सा स्पेशल केस? कि 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, तो ऐसी स्थिति में वारंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हर क्राइम तो ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि कल को आपने अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई कर ली, पड़ोसी के साथ लड़ाई करने पर 7 साल की सजा तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस आती है और फिर आपको कहती है कि चलो भाई, तो यहां पर आपका अधिकार बनता है कि आप पहले पूछें कि वारंट दिखाएं। दूसरा अधिकार यह बनता है कि चलने से पहले मैं अपने वकील से कंसल्ट करूंगा, यह मेरा मूल अधिकार है। अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपको वकील से कंसल्ट करने का अधिकार नहीं दिया तो आप स्टेट के विरुद्ध केस कर सकते हैं, यह आपका मूल अधिकार है। आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सैड पीरियड बिफोर द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। मीनिंग क्या है? मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब आपसे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, हालांकि आप में से बहुतों को पता है, लेकिन फिर मैं जो दूसरा सवाल बताऊंगा उससे पहले आपको एक बेसिक पहले नॉलेज दे देता हूं, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में उसे 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना कंपलसरी है। अब मजिस्ट्रेट क्या होता है साहब? मजिस्ट्रेट बोले तो जज, छोटा वाला जज। कौन सा जज? जो कि तुरंत, देखिए मैं थोड़ा सा आपको प्रोसीजर भी बता देता हूं, पुलिस का क्या रोल होता है मैं वो भी बता देता हूं। पुलिस का रोल होता है साथियों कि यदि किसी व्यक्ति ने मतलब राज्य के कानूनों का उल्लंघन किया है, लेट से मान लीजिएगा कि आपने और मैंने या किसी ने भी एक ऐसा क्राइम किया, चलिए मैं आपको थोड़ा और उदाहरण के साथ समझाता हूं। मान लीजिएगा कि मैं अचानक देखता हूं कि मेरी कोई व्यक्ति पॉकेट पिकिंग कर रहा है, कोई पॉकेट में से मेरे से पर्स निकाल रहा है। मैंने उस व्यक्ति को पकड़ते हुए देखा कि वो पॉकेट निकाल रहा है, मैंने उसे पकड़ा और पलट के मैंने उसमें 2-4 मार दिए, और साथ में भीड़ जो खड़ी थी उससे भी कह दिया कि देखिए ये व्यक्ति मेरे पर्स में से मतलब मेरी जेब में से पर्स निकाल रहा था। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आपने जस्टिस डिलीवर कर दिया, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि देखिए सर ये मेरे जेब में से पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया। अब यहां पर पुलिस केवल उस व्यक्ति को ही गिरफ्तार नहीं करेगी, आपको भी गिरफ्तार करेगी, आपको भी गिरफ्तार करेगी। और उसके पीछे का रीजन ये है कि पुलिस कहती है अच्छा था आपने इस व्यक्ति को हमें पकड़ा दिया, लेकिन अब आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि आपने कानून हाथ में ले लिया। अब आप पूछेंगे कानून हाथ में क्या होता है? सर कानून हाथ में यह है कि अगर ये गुनहगार है, इस गुनहगार को सजा देने का प्रावधान सरकार के द्वारा या फिर इस संविधान के द्वारा पुलिस और न्याय व्यवस्था को दिया गया है। आपने खुद न्याय कर दिया, यानी कि न्याय का जो कार्य है वो आपने कर दिया, तो ये न्याय जो है ये आपने डिलीवर करके अन्याय कर दिया है, अर्थात आपने राज्य से पंगा ले लिया है, अर्थात आप पर केस अब राज्य चलाएगा क्योंकि आपने इस व्यक्ति के ऊपर जो नुकसान पहुंचाया है इसे उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? अच्छा, अब एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर सेल्फ डिफेंस, तो बेटा सेल्फ डिफेंस के लिए आपका वकील जो है वहां पर ये प्रूव करने का प्रयास करता है कि पॉकेट मार व्यक्ति केवल पॉकेट ही नहीं इन्हें भी मार रहा था, और ऐसा शायद ही कोई अदालत होगी जिसमें ये विश्वास कर ले कि पॉकेट मार ने सेल्फ डिफेंस में मतलब पॉकेट मार को इन्होंने इसलिए मार दिया क्योंकि वो पॉकेट नहीं इन्हें भी मार रहा था, है ना? ऐसा शायद ही कहीं होता होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? है ना, मतलब ये कन्वेंशन है, आपकी भी माननी चाहिए, सेल्फ डिफेंस फिल्मी डायलॉग्स है, ये ऐसा होता नहीं है ना। मतलब पुलिस इतनी भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो भी तो आपके बीच में से ही निकल करके बनी है ना, आप में से ही तो कोई साथी जो होगा वो पुलिस में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जैसे लोग जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि बेटा सेल्फ डिफेंस ऐसा नहीं होता है, है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब आपने सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि बेटा पुलिस का भी कानून काम नहीं है कि वो न्याय कर दे। तो फिर पुलिस क्या काम करती है? पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है कि सर देखिए अकॉर्डिंग टू साक्ष्य, यानी जो हमारे सामने लोगों की शिकायत आई या जो भी हमारे सामने विटनेसेस इकट्ठे हुए उनके अनुसार यह व्यक्ति ये जुर्म करता हुआ पाया गया, हमने इन इन धाराओं के तहत इसे गिरफ्तार किया है, आपसे हम इजाजत चाहते हैं कि इसे फर्दर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, पुलिस कस्टडी से निकाल के। अब ये क्या होता है? पुलिस कस्टडी होता है कि पुलिस थाने के अंदर वो जो छोटी सी बैरक बनी हुई है वहां बिठा के रखना, और जुडिशियल कस्टडी होता है कि जो जेल है आपके शहर की या फिर जिस जगह पे आप रहते हैं वहां भेज दिया जाए। जुडिशियल कस्टडी में भेजने का काम कौन करता है? तो मजिस्ट्रेट करता है। पुलिस 24 घंटे अधिकतम आपको पुलिस थाने में बिठा के रख सकती है, और वहां से अब आपको मजिस्ट्रेट तक ले जाने की जिम्मेदारी सीआरपीसी के तहत दिए गए प्रावधान में पुलिस की है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, और प्रश्न क्या है? 24 घंटे कौन से वाले? गिरफ्तार करने के बाद से लेकर के मजिस्ट्रेट तक पहुंचने के 24 घंटे, या फिर जो आवागमन में टाइम लगा है उसको हटा करके केवल पुलिस थाने में बिठाए रखने के 24 घंटे? कौन से वाले 24 घंटे?
यानी कि यहां पर जो यात्रा है उसका समय भी इंक्लूडेड है या नहीं, तो आप बताएं वाई और नो। यानी यस इसका मतलब हुआ कि यात्रा का समय भी इंक्लूड है 24 घंटे में, और यात्रा का समय इंक्लूड नहीं है 24 घंटे में। जी हाँ, यात्रा का समय इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो यात्रा जितनी लंबे समय की हो सकती है उसमें वो समय मेंशन नहीं होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारे राजस्थान में अभी हुआ था, विशेष रूप से अलवर में हुआ था, एक पपला नाम से एक गैंगस्टर था, उसको पुलिस गिरफ्तार महाराष्ट्र के लातूर से करके लाई। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर लेके पहुंचना ही है जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, देखिए ऐसा हुआ है ना, तो वो काम जो है ऐसा मतलब फिल्मी स्टाइल में काम नहीं करना है, 24 घंटे प्लस यात्रा का समय, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आगे सुनिएगा। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड, हाँ जी, तो ये मैंने आपको बता दिया, डिटेन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड, ठीक है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है, और वो तथ्य क्या है कि सर लेकिन पुलिस तो कई बार लोगों को बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए गिरफ्तार कर लेती है, उसका क्या इलाज है? तो अब ये पॉइंट 3 यानी कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 कहता है, और वो क्या कहता है वो सुने, नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई, किस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए वो सुने, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। मतलब ये बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो शत्रु राष्ट्र से हमारे यहां आया है। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिया आपने, तो यहां पर ये बिंदु आप पर लागू नहीं होता कि भाई ये जो व्यक्ति था ये राष्ट्र के विरोध में इंडिया आया हुआ था, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो इसे प्रोड्यूस करना 24 घंटे में कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं। आपको एनिमी एलियन को जितना कूटना है पीटना है कूटिए, फिर ले जाइएगा। नंबर दूसरा, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये बहुत खतरनाक चीज है, इस आर्टिकल का सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है इंडिया में आज तक। अगर आपको याद हो तो लालू प्रसाद जी की जो बेटी है उसका नाम मीसा है, मीसा भारती है ना, वो मीसा नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था जिसके तहत लालू यादव जी को गिरफ्तार किया गया था, मीसा एक्ट के तहत। तो उन्होंने अपनी बेटी जो उस समय पैदा हुई थी उसका नाम मीसा रख दिया, ठीक है। असल में क्या है मैं आपको बताता हूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब हुआ कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई और गिरफ्तार इसलिए करके ले गई क्योंकि आपसे डर है। क्या डर है? कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। मतलब आपने अभी कुछ नहीं किया लेकिन आपने आपसे डर है कि आप कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी डर से कि भाई कल को ये व्यक्ति ऐसा करेगा इसको अभी डाल दे अंदर, बाद में कहां ढूंढेगा। आपको अगर याद हो तो भारत के अंदर फिलहाल के समय में जो अभी कश्मीर वाला इशू हुआ था तो उसके अंदर महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला, इन सब लोगों को इसी कानून के तहत यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत एनएसए के तहत उठा करके, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उठा करके अंदर डाल दिया गया था। जी क्या आपको बात समझ में आ गई? बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को इसमें अंदर डाला जाता है लेकिन इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, पॉलिटिकल राइवलरी को सेट करने के लिए। अब मान लीजिएगा कि आपको लगता है भाई एक प्रकार की यही तो इमरजेंसी भी कही गई है ना, अगर आपको लगता है इमरजेंसी के दौरान जिन राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो इसी के तहत गिरफ्तार किया गया था, आर्टिकल 22 सब क्लॉज 3 क्या मतलब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के तहत प्रिवेंटिव की, ये अशांति फैलाएंगे तो बोले डाल दो इनको अंदर, तो इमरजेंसी में यही तो हुआ। अभी बात समझ में, इसी कारण से ये सारे के सारे आर्टिकल्स ऐसे थे जो आपके समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस। अच्छा, अब हमारा मूल अधिकार खुद ही ये कहता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप कम से कम 3 महीने तक तो साहब अंदर डाल ही सकते हैं। मतलब 3 महीने, कहां तो 24 घंटे की बात हो रही थी, अब आप उसे 3 महीने तक तो अंदर डाल ही सकते हैं। अब उससे भी ऊपर अगर आपको डाल के रखना है तो ऐसी स्थिति में आपके पास फिर कंडीशन दी गई है, कंडीशन ए, an advisory board consisting of person who are or have been or are qualified to be appointed as judges of high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is an its opinion sufficient cause of such detention provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by parliament under subclause b of clause 7 or meaning kya hai aap logo ko agar aisa lagta hai ki ha bhai hame 3 mahine se bhi zyada is vyakti ko andar rakhna hai तो उसके लिए आप लोगों को एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करना होगा। वो एडवाइजरी बोर्ड कम से कम उस प्रकार के लोगों के द्वारा बना होगा जिसमें हाई कोर्ट के जज बनने लायक जिन लोगों की योग्यता हो वो लोग यह निर्णय दें कि हाँ भाई इस व्यक्ति को 3 महीने से भी ऊपर अंदर रखा जाना चाहिए, तो फिर एडवाइजरी बोर्ड की बात मानते हुए उन्हें 3 महीने से ऊपर भी ज्यादा के लिए भी जेल में रखा जा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making order shall, as soon as may be, communicate to such person the ground on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making representation against the order. अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू भी आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे शीघ्र ही यह बताया जाए कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगला क्लॉज कहता है कि नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स व्हिच सच अथॉरिटी कंसीडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे कारण भी बताया जाए, उसे कारण भी बताया जाए कि भैया तुम्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है ये बताइए, उसे कारण बता दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको कारण बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी तो उसे कारण भी मत बताइएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आखिरी पॉइंट है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच ए पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ अंडर एनी लॉ प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट obtaining the opinion of advisory board। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि हमें कोई क्लॉज बना देना चाहिए जिसकी वजह से हमें एडवाइजरी बोर्ड की भी आवश्यकता ना पड़े, तो सरकार ऐसा कानून डायरेक्ट भी बना सकती है कि इस व्यक्ति को उठाइए और जेल में डाल दीजिए और इसके लिए आपको एडवाइजरी बोर्ड की भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को फिलहाल के रूप में इनमें से एक भी पॉइंट याद नहीं रखना था, इतना ही याद रखना था कि किसी भी व्यक्ति को जबरन गिरफ्तार करके अंदर नहीं डाल सकते। लेकिन जब कोई चीज पढ़ ही रहे हैं तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए तो क्या पता उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाए। तो हमने ये सीख लिया कि ये आर्टिकल केवल हमें ये नहीं कहता कि 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, ये केवल एक सामान्य परिभाषा है, लेकिन अगर चाहे सरकार तो किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अंदर भी डाल सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ भाई, एक विद्यार्थी ने एक जबरदस्त सवाल पूछा, हालांकि मैं मतलब उस प्रश्न का आंसर तो नहीं देना चाह रहा था, फिर भी मैं थोड़ा सा सोच रहा कि चलिए जवाब दे ही देते हैं। एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा कि सर क्या आप ये सारी बातें ल्यूसेंट में से पढ़ा रहे हैं? अब यही है मेरे साथ होने वाली सबसे बड़ी मुसीबत। क्या है ना कि जैसे मॉर्निंग वाली जो मैं क्लास पढ़ाता हूं, अब मॉर्निंग वाली क्लास जो आरएनए वाली क्लास आती है, और उस आरएनए वाली क्लास के अंदर मैं कई बार जो है वो मतलब अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाता हूं, और विद्यार्थी का मस्तिष्क मनोमस्तिष्क ल्यूसेंट तक का ही है, और उसे जैसे ही ये बात पता चलती है कि यार पता नहीं ये क्या ही हो रहा है, तो वो उसके ऊपर से निकल जाती है ना। हाँ, तो अभी एक क्रिएचर ने ये पूछा कि क्या सर आप ये ल्यूसेंट में से पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो होता ये है कि ज्ञान जो है वो बहुत कम लोगों के काम की चीज होती है, कई बार हम लोग भी ये मिस कर जाते हैं। हम लोग क्यों मिस कर जाते हैं? क्योंकि मैं कई बार जब विज्ञापन कर रहा होता हूँ तो मैं विज्ञापन के समय एक लाइन और बोलता हूँ कि केवल एसएससी वाले ही नहीं, डिफेंस की तैयारी करने वाले, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले भी इस बैच को पढ़ सकते हैं। और अपनी क्लास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और वो इस बैच को पढ़ने आ गए हैं क्योंकि उन्हें एक थॉट डेवलप करना है ताकि वो अपना लेवल इंक्रीज कर सके और स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सके। इसीलिए मैं ज्योग्राफी भी एट पार पढ़ाया और इसी कारण से मैंने ये पॉलिटी भी एट पार पढ़ाई है। लेकिन मुसीबत क्या आ गई कि फीस इतनी कम है कि इसमें ग्रुप डी वाले भी घुसाते हैं, है ना। तो होता यह है कि जिनको ल्यूसेंट भी बहुत बड़ी मतलब महाकाव्य लगता है, उन्हें ये सब बातें मतलब वैसे ही हो गया कि गधे को गोबर और गधे के लिए गुड़ दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो वैसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है और वो काफी हानिकारक होती है, है ना। तो ऐसी स्थिति में टीचर क्या है वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है, पर कोई नहीं, मतलब समय है और ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा नुकसान है। यही कारण है बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं एक सवाल, और वो पूछते हैं कि सर आप आरपीएससी के अंदर खुद इतनी बार एग्जाम निकाले हुए हो, सब कुछ आप इतना अच्छे से जानते हो, आप आरपीएससी में बैच क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, मतलब स्टेट पीसीएस के लिए बैच क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो कम फीस है ना, उस कम फीस के साथ वो चीज जस्टिफाइड ही नहीं है, जो मैं कई बार यहाँ फील कर लेता हूँ। यूपीएससी के अंदर जब बच्चा बहुत बड़ी फीस देके आता है ना, तो उसका एक फायदा हमें ये होता है कि वहाँ बच्चा थोड़ा डिटरमाइंड आता है, उसे पता है कि यही करना है, होता है। खैर, और ऐसी चीजें हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करती हैं। एनीवे, तो फिलहाल के लिए ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 22 क्या है, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सारी बातें। ठीक है साथियों, तो अब हम चलते हैं साथियों आर्टिकल 23 और 24 की तरफ। सुनिए साथियों, अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्रिएचर और है जिनका नाम है मनोहर कुमार, और वो लिख रहे हैं हेलो खुशबू। मतलब आप फ्रस्ट्रेशन का आधार देखिए, आप मतलब डेस्पिरेशन देखिए कि मतलब कहते हैं ना कि क्या ही कहा जाए, मतलब शब्द नहीं है इस चीज के। डेस्पिरेट कितना है प्राणी कि वो चैट बॉक्स में भी लड़की ढूंढ ले रहा है, समझ रहे हैं आप, चैट बॉक्स में जहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि नाम लड़की का नाम लेकर लड़का बैठा हुआ है, हमारी क्लास में किम जोंग उन बैठे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, कोई बांदा से डॉन बैठा हुआ है, सबने अपने अपने नाम बदल रखे हैं, और यहां पर एक बालक है उसका फ्रस्ट्रेशन इतना हद पर है कि हेलो खुशबू, और सोचो ये पैसे देके और आए हैं और फिर रिजल्ट की उम्मीदें साथ साथ लेके आए हैं,
देश के साथ संकट है, और ये जो फिलहाल जिस तरह से माइग्रेट करा करा करके बच्चों को ऊपर लेके जा रहे हैं सीधा प्रमोट करके, उससे तो ऐसे क्रिएटर ज्यादा बड़े हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं। खैर चलिए साथियों, है ना, अच्छा आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आर्टिकल 22 के बाद में अब चलते हैं 23 और 24 के बीच में, और क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से, 23 एंड 24 क्या है अब उसे समझना। साथियों हुआ ये कि भारत के अंदर एक बहुत लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियां रही थी कि जब देश गुलाम था तो वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर एक बहुत बड़ी परेशानी थी संपूर्ण भारत की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब मानव का व्यापार, और ये आज भी होता है। अगर आप लोग इस बात से सहमत हो तो आप लोग इस बात को कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से, आसपास के समाज के माध्यम से आप इस बात को देखते भी होंगे क्या, कि कहीं ना कहीं आज भी इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। लड़कियों का देह व्यापार आपको खूब अच्छे से आपके कहीं ना कहीं अखबार में दिखाई दे जाता है, लड़कियों का देह व्यापार के लिए व्यापार, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही है। इसी प्रकार से जबरन मजदूरी करवाना, मजदूरी से मतलब ये हुआ कि किसी को कर्ज में दबा रखा है आपने और उससे आप मजबूरी में मजदूरी करवा रहे हैं। वो व्यक्ति जो इस प्रकार से प्रताड़ित है उसे राज्य के द्वारा यह सुविधा दी गई है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अच्छा, लेकिन बताएं आप लोगों को साथियों, इसके लिए सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है। शिवानी इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है, पता नहीं लिखा तो बहुत बड़ा सा पेपर है बेटा, मैं एंड में फिर से भेज देना, मैं इस बात को दोबारा से सुन लूंगा, है ना। अभी बीच में मैं तो मतलब पढ़ना नहीं चाहूंगा, काफी बड़ा लिखा है आपने, फिर से भेज देना, है ना। अभी इसको कंटिन्यू सुन लो। 23 कहता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर, यानी कि जो भी आप लोग देखते हैं भिखारी अथवा मानव, एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सरकार को लगता है कि ये गलत है तो सरकार को इसे रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। नंबर एक, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इंपोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस एंड इन द इंपोजिंग सच सर्विसेज शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स ऑफ देम। अगर सरकार को लगता है कि ऐसी चीजें लागू करवाने के लिए जिससे कि फोर्स लेबर बंद हो जाएगा या फिर महिलाओं का व्यापार बंद हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार किसी वर्ग विशेष के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि महिलाओं के लिए कानून ले आए, तो ये कानून आर्टिकल 15 के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा कि देखिए सरकार डिस्क्रिमिनेट कर रही है, आ रही बात समझ में, इसे डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसी प्रकार से आर्टिकल 23 के बाद में आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर लिखा हुआ है कि 14 साल से कम के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी हजारडस यानी कि नुकसानदायक फैक्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं होगी। इसे भी भारत सरकार अलग अलग समय पर कानून बना बना करके परिवर्तित करती रही है। पहले ये था कि 14 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा, लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए, तो फिर सरकार ने कहा कि ठीक है बच्चा जो है वो पढ़ता भी रहे, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चे को आरटीई के तहत फ्री एजुकेशन का प्रावधान सरकार ने कर दिया है। ऐसी स्थिति में बच्चा जब स्कूल जाके आ जाए तो स्कूल आवर्स के बाद वो पारिवारिक काम के अंदर भागीदार बन सकता है, यानी कि घर के जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा भारत सरकार के द्वारा रिसेंट प्रावधान है, लेकिन ये कानून के माध्यम से इंप्लीमेंट होता है। देखिए दो बातें आपको समझनी होंगी, कुछ आर्टिकल्स तो भारत में ऐसे हैं जो सेल्फ इंप्लीमेंट्री हैं, जिनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आर्टिकल 21, ये सेल्फ इंप्लीमेंट्री है, यानी कि भाई मेरी प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 19 में जो बोलने का अधिकार है, मुझे किसी कानून के तहत ये अधिकार नहीं दोगे आप कि चल तेरे को आज से बोलने का अधिकार मिल रहा है। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें अप्लाई करने के लिए हमें लॉ बनाने की आवश्यकता है। जैसे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अगर आपको अंत करना है तो केवल लिखने मात्र से नहीं हो जाएगा, आपको कानून बनाना पड़ेगा। आपको महिलाओं का व्यापार और फोर्स लेबर रोकनी है तो आपको कानून बनाना पड़ेगा, वो लिखने से नहीं हो जाएगा। आर्टिकल 24 के तहत आपने लिखा कि प्रोहिबिशन ऑफ, मतलब बच्चों के लिए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, तो ऐसा लिखने मात्र से नहीं हो जाएगा कि आपने कानून लिख दिया कि ऐसा ऐसा है, उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। कानून का मतलब कि अगर ऐसा किया तो इतना पनिशमेंट होगा, आपको उसके साथ भय बेचना पड़ेगा, आपको डराना पड़ेगा, तब जाकर के ही कोई चीज अप्लाई हो पाएगी। तो वो जो भय की स्थिति रोकनी है उसे कहते हैं बाय लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग आपको कानून के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें देनी होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आर्टिकल 25 से लेकर के 32 कल हाफ डे में खत्म हो जाएगा, कल डीपीएसपी भी हम शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए अब बताइए आपकी जो भी परेशानियां समस्या दिक्कतें हैं उनका समटारा कर दिया जाए, बोलिए साहब। एक विद्यार्थी बहुत देर से आर्टिकल 22 के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, देख लेते हैं क्या लिख रहे हैं, वो बड़ा सा पत्र लिख के भेज रहे हैं। अनिल पटेल सर, क्या आर्टिकल 22 के बीच आर्टिकल 21 नहीं आता क्या? क्यों नहीं आता? बिल्कुल आता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी ये बात लिखी हुई है कि अगर सरकार को लगता है कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ है तो वो वैलिड है। मतलब आपकी आर्टिकल 21 पढ़ाया ना मैंने आपको कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्राइवेसी हटानी है तो लॉ तो कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, हाँ अभिमन्यु, ये घटना बहुत पुरानी हो चुकी है। हाँ विश्व रंजन रथ, बोलिए बेटा क्या है? सूरज सर आप तो
रिप्लाई नहीं करते, जब से मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है, क्या सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अब जेके की कोई टेंशन नहीं है, एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सूरज बेटा मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बेटा वो 40-45 मिनट का एक फ्लो होता है, वो फ्लो अगर टूट गया तो आप जो चीज मुझसे पढ़ने आए हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं लेकिन आप भविष्य में फिर मुझे गाली देंगे कि यार सर पढ़ने आया था मैं तो, है ना, तो आपने मेरा रिदम तोड़ दिया। शिवानी लाद ने लिखा है कि थैंक यू सर, कल मेरा प्लस कोर्स का लास्ट डे है, आपसे पढ़ने से जीके स्टैटिक बहुत अच्छा हो गया है, जब से कोर्स परचेज किया है तब से कभी कमेंट या शिकायत नहीं की, बफर हो या कुछ भी कुछ क्यों नहीं, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, आज सेकंड लास्ट डे है तो सोचा करके आई होप आप आज मेरा कमेंट पढ़ लें, यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, वंस अगेन थैंक यू सो मच, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। मन तो कर रहा है कि और कोर्स ले लूं, पर अब जो नोट्स हैं उन्हें पढ़ करके क्लियर करूंगी, अब मैं कुछ आगे की टाइप करूं, मैग्नेट मांगते हैं, अलग ही टाइप का मैग्नेट है आप में, कुछ अलग ही टाइप का मैग्नेट है। अच्छा भाई देखिए, कोर्स की शुरुआत में बच्चे तारीफ करते हैं वो शुरुआती प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो साल भर कोर्स पढ़ करके और जब ये फीडबैक लिख के जाते हैं ना, तो ये मतलब वाकई में पूरा दिल गार्डन हो जाता है। ये वो फीडबैक है जिन्होंने मेरे साथ में चारों सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़े, यानी ये तो वो लोग हैं शायद जिन्होंने साइंस भी पढ़ा है, और उसके बाद अगर ये फीडबैक लिख के जा रहे हैं तो आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड। थैंक यू बेटा शिवानी, वेरी बेस्ट लक अहेड बेटा, सब सक्सेस, जीके में इंटरेस्ट बना दिया आपने, थैंक यू सो मच भाई गौरव, थैंक यू यार, मजा आ गया।